नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल न्यूज़ रूम में। न्यूज़ रूम में हम लोग हर तरीके से जो है शेयर मार्केट से जुड़ी या फिर बाकी जो न्यूज़ रहता है वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज़ रूम को तो ज़रूर कर लीजिए, आपको जो ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग शेयर मार्केट के जुड़े आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस नहीं देते, जस्ट न्यूज़ लेके या फिर कुछ स्टॉक्स लेके डिस्कस करते हैं। तो शेयर मार्केट में हमेशा एक चीज़ रहता है कि जो है रिस्क फैक्टर रहता है, रिस्क बना रहता है हमेशा शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, कोई कितना भी बोले कि कोई भी शेयर जो है आपको रिटर्न 100% देगा, तो उसमें भी थोड़ा बहुत जो है ऐसा रहता है कि स्टॉक कभी भी गिर सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसा दो या तीन जो है शेयर को यहाँ पे दिखाएंगे या फिर हम लोगों ने सिलेक्ट किया है जो निफ्टी 50 का कंपनी है, निफ्टी 50 में आता है और एक सेफ ग्रोथ कंपनीज कहा जाता है। इसमें थोड़ा बहुत हम लोग ये दो तीन स्टॉक को लेके देखेंगे, समझेंगे कि ये दोनों तीनों कंपनी जो है कैसा है यहाँ पे कंपनी। तो यहाँ पे देखेंगे तो लगभग जो है तीन कंपनी का हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन किया है। तो तीन कंपनी कैसा है, जहाँ पे हम लोग अगर सेफ ग्रोथ कंपनीज कह रहे थे, इस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या। वीडियो पे पूरा बने रही, केपीपी स्किप मत कीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो कंपनी है हमारे यहाँ पे लिस्ट पे, पहला जो कंपनी है वो है HDFC फाइनेंस, मतलब HD हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी, HDFC जो है, माफ कीजिए। तो यहाँ पे HDFC का थोड़ा हम लोग देखते हैं, तो मार्केट कैप कंपनी का आप देख सकते हैं 4,995। तो मार्केट कैप यहाँ पे देख सकते हैं HDFC का बहुत ही बढ़िया एक मार्केट कैप है। नेट सेल्स यहाँ पे HDFC का देख सकते हैं 1,35,926 यहाँ पे जो है नेट सेल करोड़ का देखने को मिल रहा है। नेट सेल्स 3 साल का जो है CAGR का देखेंगे, जहां पे 12.2% ग्रोथ देखने को मिला है। नेट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर का देखेंगे चेंजिंग जो हुआ है, 89.4% का यहां पे ग्रोथ देखने को मिला है। क्वार्टरली नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर चेंज जो हुआ है 13.8% का यहां पे जो है ग्रोथ देखने को मिला है। तो दोस्तों नो डाउट HDFC एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अभी यहां पे इसका जो है कुछ हम लोग की मेट्रिक्स देखते हैं HDFC का। तो मार्केट कैप 4,95,165 करोड़ का है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 2,662 का है। वॉल्यूम आप देख सकते हैं 41,53,948 का वॉल्यूम यहाँ पे है। यहाँ पे ज़्यादातर अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाई कह रहे हैं आपको HDFC में, अभी जो प्राइस है इसमें स्ट्रॉन्ग बाई कहा जा रहा है। इसका 52 वीक का जो हाई प्राइस था वो था 2,934 रुपीज़ का, एंड 52 वीक का जो लो प्राइस था दोस्तों 2,026 रुपीज़ का। रिटर्न्स की बात करते हैं HDFC में तो वो आप देख सकते हैं, जहाँ पे 1 वीक में स्टॉक में 0.2% का गिरावट बनता हुआ दिखा है, 3 मंथ्स के अंदर 13.73% का रिटर्न दिया है। YTD देखेंगे तो जहाँ पे 2.77% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स के रिटर्न की बात करते हैं 13.14% का रिटर्न दिया है, एंड 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करते हैं 42.04% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो 5 ईयर्स के अंदर HDFC बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को 42% के ऊपर रिटर्न दिया है। अभी यहाँ पे वॉलेटिलिटी की बात करते HDFC का दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते एवरेज डेली वॉलेटिलिटी जो है वो 2.49% के आसपास है। एवरेज डेली वॉलेटिलिटी जो है 1M का, 6M का जो है 3.85% के आसपास है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी शेयर में अच्छा है, ज़्यादातर अभी कह रहा है कि HDFC स्टॉक में बाई कीजिए, एक सेफ कंपनी लगता है। हमारे लिस्ट में जो दूसरा कंपनी है दोस्तों वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को हम लोगों ने रखा दूसरे नंबर पे। एक्सिस बैंक का मार्केट कैप देख सकते हैं जो कि एक निफ्टी 50 में आता है वो है 2,74,394 करोड़ का। नेट सेल्स देखने को मिल रहा है 68,846 करोड़ का। नेट सेल्स 3 साल का जो है CAGR वो 7.03% है। नेट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो चेंज देखने को मिला, जंप हुआ है 17.1% का जंप देखने को मिला है। नेट सेल्स में अगर दोस्तों देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो चेंज हुआ है वो 18.1% का। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हम लोग को एक्सिस बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक्सिस बैंक का की मेट्रिक्स की बात करते हैं तो ठीक है, हम लोगों ने मार्केट कैप में देखा है 2,74,394 करोड़ का, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था 873.75 पैसे का,
वॉल्यूम देखिए दोस्तों 173,736 यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। एवरेज यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादातर जो कह रहा है कि एक्सिस बैंक के शेयर में बाय करके चलिए। 52 का जो हाई प्राइस दिया 970 रुपीज का, 52 का जो लो प्राइस दिया 618.25 पैसे का, तो बहुत ही एक बढ़िया शेयर हो सकता है आपके लिए एक्सिस बैंक भी। यहाँ पे वन वीक का जो है एक्सिस बैंक में देखते तो 4.11% का जो यहाँ पे गिरावट बनता हुआ दिखा है। थ्री एम रिटर्न्स देखते तो 2.49% का गिरावट बनता हुआ दिखा है। थ्री मंथ्स का जो रिटर्न है 2.49% का जो गिरावट बनता हुआ दिखा। YTD के अंदर 4.43% का गिरावट बनता हुआ दिखा। 3 ईयर्स का रिटर्न बात करते हैं दोस्तों 20.55% का रिटर्न देखने को मिला है। 5 ईयर्स की बात करते हैं दोस्तों 44.84% का रिटर्न देखने को मिला है। तो जबरदस्त रिटर्न हम लोग बोल सकते हैं कि दोस्तों 5 ईयर्स के अंदर एक्सिस बैंक के शेयर में भी देखने को मिला है। तो ये एक बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म शेयर है। अभी बात करते हैं दोस्तों हमारे तीसरे नंबर पे जो कंपनी आता है, तीसरे लिस्ट पे जो है कंपनी का नाम है वो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, जो कि ज्यादातर हम लोगों को देखने को मिलता है, ट्रेडेड वगैरह चलता रहता है स्टॉक में। बहुत ही बढ़िया कंपनी है जिसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड का 2,09,352 करोड़ का मार्केट कैप है। नेट सेल्स की बात करते हैं दोस्तों 68,406 करोड़ का नेट सेल्स है। नेट सेल्स 3 साल का CAGR देखते हैं 16.9% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। नेट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज देखेंगे तो 30.9% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। एंड क्वार्टर अगर देखेंगे तो नेट सेल्स ईयर ऑन बेसिस में जो चेंज देखने को मिला है 15.5% के यहां पे ग्रोथ देखने को मिला है। के मैट्रिक्स की बात करते हैं दोस्तों, अभी बजाज फिनसर्व का जो हमारे लिस्ट में थर्ड नंबर पे है, तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 2,09,342 करोड़ का जो हम लोगों ने अभी देखा है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था 1,314 करोड़ का। वॉल्यूम आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पे बजाज फिनसर्व पे देखने को मिल रहा है। शेयर में 18,29,556 करोड़ का जो है वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे ज्यादा कह रहा है कि होल्ड करके चलिए। 52 का हाई प्राइस बनाया 1,844 रुपीज का एंड 52 का लो प्राइस बनाया 1,073 रुपीज का। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि स्टॉक जो है उतना दम रखता है, उतना दम है बजाज फाइनेंस के शेयर में, जहां पे 1,000 से शेयर जो 2,000 रुपीज तक भी पहुंच सकता है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स का, माफ कीजिए, ज्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि बजाज फाइनेंस के शेयर में हम लोग होल्ड करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 शेयर जो हम लोगों ने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है इसको लेकर डिटेल, एक हो गया HDFC बैंक जो हमारे पहले नंबर पे है, उसके बाद आगे एक्सिस बैंक लिमिटेड, उसके बाद बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो तीनों कंपनी जो है फाइनेंस सेक्टर से है, तीनों कंपनी जो ये फाइनेंस सेक्टर से है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये तीनों कंपनी। और तीनों कंपनी में जो फिलहाल हम लोग खरीदारी करके अगर चलेंगे तो बहुत ही जल्दी इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तीनों कंपनी जो है HDFC, एक्सिस बैंक एंड बजाज फिनसर्व लिमिटेड निफ्टी 50 का कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है हम लोगों ने एक लिस्ट शेयर किया आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। और आपको क्या लगता है HDFC बैंक के शेयर, एक्सिस बैंक के शेयर, बजाज फिनसर्व के शेयर को लेकर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। न्यूज रूम को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।